इसे देखकर कोई कह सकता है कि इस मिठाई के डिब्बे को हमने घर पे बनाया है। ऐसी ही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाने के लिए आपको कोई दूध, मलाई और ना ही मावा चाहिए। सुपर सॉफ्ट, एकदम मुंह में जाते ही खुल जाए। रक्षाबंधन में इस रेसिपी को तो ट्राई करना बनता है। मात्र ये 10 से 15 मिनट में बन जाती है और सभी को बहुत भाती है। बहुत ही सुपर हिट रेसिपी है। तो फ्रेंड चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं छाया, स्वागत है आपका हमारे माँ बेटी किचन पर। दिन था सोमवार, मुझे कुछ मीठा बनाना था क्योंकि भोलेनाथ का भोग लगाना था। ऊपर से सबकी डिमांड हुई कि भाई हमें भी कुछ मीठा खाना है, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाया जाए जो व्रत के लिए हो, भगवान का भोग लगे और सबको भाए। ऐसी ही ये रेसिपी मेरे दिमाग में सबसे पहले आई क्योंकि इसका सामान मुझे कुछ बाहर से लेने नहीं जाना था, तो जिसके लिए मैंने एक कटोरी सेट कर ली। इससे सारे मेजरमेंट करेंगे, तो दो कटोरी पीनट लिए, हैवी बॉटम कढ़ाई रखेंगे और गैस का फ्लेम है ना जो एकदम स्लो कर देंगे। सारे पीनट को हमने इस पर डाल दिया और इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। सारे प्रोसेस में गैस का फ्लेम एक बार भी आपको ना तो मीडियम करना है ना तो हाई करना है, कंटिन्यू चलाते हुए जब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसका ऊपर का जो छिलका है वो निकलने नहीं लगता और चटर पटर की आवाज नहीं आने लगती। तो कुछ देर बाद देखिए ये जो पीनट है ना अच्छे से रोस्ट हो गया। इस तरीके से ठंडा करके देखेंगे तो छिलका आराम से निकल रहा है और कोई भी हमारी पीनट जली नहीं है। गैस को हमने बंद कर दिया, गैस से इसको नीचे उतार लिया है। ये अभी हमारी काफ़ी गर्म है तो इसको ठंडा करने के लिए अभी मैं इसको साइड पर रख देती हूँ। तो इधर मैंने ले लिया है एक छोटे साइज का परात, क्योंकि ये बड़ा है तो इसमें हम डाल देते हैं तो बहुत ही आराम से ठंडा हो जाता है। वैसे आप चाहें तो इसको ऐसे ही थोड़े देर के लिए छोड़ सकते हैं, इससे ये ठंडा हो जाएगा। थोड़ा सा मैं फैला देती हूँ, पंखे की हवा में रख दूंगी, जिससे ये 5 मिनट में ही ठंडा हो जाएगा बस छूने लायक। ये इतना ठंडा हो गया है कि हम अच्छे से हाथ लगा सके, तो इस तरीके से हमें इसको क्रश कर लेना है। आप चाहें तो ये काम किचन टॉवल पर कर सकते हैं, इससे भी इजी तरीके से छिलके निकल जाते हैं। इस तरीके से दोनों हाथों से भी आप रफ करेंगे तो आराम से छिलके निकल आएंगे। देखिए सारे छिलके मैंने इस तरीके से निकाल लिया है। अब इनको हटाने के लिए दो तरीका है, एक तो इस तरीके से आप फटक सकते हैं छिलका हट जाएगा, दूसरा तरीका जिससे हम पूरी छानते हैं, ये हर किसी के घर में होता है, तो आपको लेके इस तरीके से इसको छान लेना है। तो देखिए इसका जो छिलका है ना वो निकल जाएगा और जो साफ मूंगफली वो ऊपर आ जाएगी। देखिए इस तरीके से थोड़ा बहुत छिलका रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बाउल पर हम रखते जाएंगे। मेरी ये जो पीनट है ना देसी वाली है, इससे क्या होगा सारा छिलका रिमूव नहीं होता है और ये एकदम फ्रेश हमको पीनट मिल गया है। और देखिए ये पीनट हमारा रेडी हो गया, इसको भी मैंने साइड पर रख दिया है। इधर मैंने ले लिया है एक मिक्सी का जार और ये जो पीनट है ना छिला हुआ सारे इसको हम डाल देते हैं। यदि ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो एक साथ सारी मत डालिएगा वरना आपको पीसने में दिक्कत होगी। तो चलिए इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। इसको ग्राइंड करने का भी तरीका होता है, हमें बस इस तरीके से पुश करते हुए इसको ग्राइंड करना है, कंटिन्यू चलाते हुए नहीं करना है वरना इसका ऑयल निकल जाता है, गीली हो जाती है। और देखिए कुछ इस तरीके का पाउडर हमारा बन गया है। यदि मोटा है तो आप इसको स्ट्रेनर से छान सकते हैं। तो इसको मैंने वापस से उसी बाउल पर सारे पाउडर को डाल दिया और आप देख पा रहे हैं कि इसमें कोई भी वैसा मोटा टुकड़ा नहीं है, बस ये रवे की तरह है। देखिए ये पाउडर भी रेडी है। इसको एकदम मावे जैसा टेक्सचर के लिए मैंने इस पर डाला है 3 से 4 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है लेकिन टेस्ट एकदम मावे जैसा आएगा, कोई आपको और चीज डालने की जरूरत नहीं है, वो तो डालिएगा वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से मिला दिया है, पहले ही मिला दीजिएगा, बाद में क्या हो लम्स पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिला दिया है, ये भी हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। इस मिक्सचर को अभी हम साइड पर रख देते हैं। चलिए एक मेजरमेंट और देख लेते हैं। तो जिस कटोरी से मैंने पीनट ली थी उसी कटोरी से हमें लेना है चीनी। तो 2 कटोरी हमने पीनट ली थी तो 1 कटोरी चीनी लेंगे। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन ये एकदम परफेक्ट रेशियो ऊपर से लेवल करके लेंगे। तो चलिए चीनी को भी अभी हम साइड पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। गैस को ऑन करके मैंने वापस से वही कढ़ाई को रखा है और अब हम इस पर जो चीनी ली थी वो हम सारी चीनी इस पर ऐड कर देते हैं। मूंगफली से आधी चीनी, चीनी से आधा पानी, तो एकदम परफेक्ट रेशियो, कितनी भी आप इससे बर्फी बना सकते हैं।
अब गैस का फ्लेम हमने स्लो कर लिया, इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे जिससे चीनी हमारी नीचे ना जले और इसको हमें पका लेना है, जिसको पकने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। और देखिए चीनी हमारी सारी मेल्ट हो चुकी है, इस पर बॉईल भी आ गया है और अब हमें इसकी एक तार की चाशनी बनाना है। गैस का फ्लेम आप लो टू मीडियम कर लीजिए और इसको चलाते रहिए। जब तक मैंने एक मिठाई का खाली डिब्बा ले लिया, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि उनकी बर्फी अच्छे से डीमोट नहीं होती है, इस तरीके से बॉक्स में अगर आप करेंगे ना तो बहुत ही आराम से आपकी बर्फी डीमोट हो जाएगी। हल्का सा घी से ग्रीस कर लिया है लेकिन कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आराम से ये हो जाती है। अब आप चाहें तो सजा सकते हैं मेरी तरह, मैंने कुछ सिल्वर का वर्क लिया है, ऐसे नीचे सीधा ही रख देना है, निकालना आपको बिल्कुल नहीं है। कुछ बादाम भी मैंने डेकोरेट किए हैं, बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी। बीच बीच पर हमने बादाम भी रख दिए, आप चाहें और भी ड्राई फ्रूट रख सकते हैं। जब तक चाशनी भी हमारी हो गई है, देखिए प्रॉपर ये एक तार बन रहा है, बस इससे ज्यादा नहीं करना है, गैस को आपको बंद कर देना है, वरना आपकी जो बर्फी ना वो हार्ड हो जाती है, एकदम सॉफ्ट माउथ मेल्टिंग नहीं बनती है और सारा जो मिक्सचर है ना हम इस पर डाल देते हैं। अब आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल भी ऑन नहीं करना है, यदि आप ऑन करते हैं तो वो हार्ड हो जाती है, थोड़ी चूजी चूजी टाइप की हो जाती है। तो बस चाशनी आपकी परफेक्ट बनी है तो आपकी बर्फी भी परफेक्ट बनेगी। और इस तरीके से हमें इसको चलाना है, मिक्स करना है, घी वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो पीनट है ना अपना ऑयल अपने आप रिलीज करता है। हम इसको कंटिन्यू चलाते जाएंगे, आप देखेंगे कि ये एकदम डो फॉर्म में आ गया है। यदि आपको लगे कि आपका जो मिक्सचर है थोड़ा सा लूज है तो आप थोड़ा सा गैस ऑन कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, बस इस तरीके से आप देखें तो गोली बन जाना चाहिए। मेजरमेंट परफेक्ट रखेंगे, तार सही बनेगा तो आपकी बर्फी बहुत ही आराम से बन जाएगी और गोली भी आराम से बन जाएगी। देखिए सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर दी हैं, एकदम डो फॉर्म में आ गया है। तो चलिए अब हम इसको नीचे उतार लेते हैं, आप चाहें तो मिक्सिंग भी गैस से नीचे उतार के कर सकते हैं। हमने अपना मोल्ड ले लिया है और आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस का सेट होने लायक ये मिक्सचर हमारा बन गया है। तो अब हम मोल्ड पर डाल देते हैं। मैंने थोड़ा सा मिक्सचर बचा लिया था, पूरा इस पर सेट नहीं किया था, जिसके मैंने लड्डू बनाए थे, बच्चों को काफ़ी अच्छे लगे थे। तो अब हम किसी स्पून से, आप चाहें तो कोई स्पैचुला भी ले सकते हैं, अच्छे से दबाते हुए हमें सेट करना है, किनारे से सेट करिएगा जिससे अच्छे से सेट हो जाता है। और देखिए ऊपर से बिल्कुल से चिकना कर देना है और इस तरीके से देखिए मैंने इसको अच्छे से चिकना कर दिया है, पूरा इक्वल हो गया है और अब ये हमारा सेट होने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर आपको जल्दबाजी है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, मैंने ऐसे ही 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था, लेकिन मुझे बीच में लंच बनाना पड़ा तो इसीलिए मेरे को आज से पौन घंटा हो गया था। देखिए अच्छे से ये सेट हो गया है। बहुत लोग गलती करते हैं कि एकदम गर्म में इसको डीमोट करते हैं तो ये टूट जाता है, लेकिन अगर आप मिठाई की खाली डिब्बे या कागज के किसी डिब्बे पर करेंगे ना तो बिल्कुल टूटने के चांसेस नहीं होते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, इस तरीके से लेके इस तरीके से टैप करना है, या चाहे तो इस तरीके से डिब्बे को किनारे कट करके भी निकाल सकते हैं। और ये देखिए ऊपर से इसको निकालिए, कितनी बेहतरीन ये बर्फी हमारी सेट हो गई है। चलिए कट करने के लिए मैं एकदम मार्केट जैसे इसके स्क्वायर पीस कर रही हूँ, बड़े छोटे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं तो काजू कतली जैसी बन जाएगी। देखिए कितनी बेहतरीन एकदम लाजवाब ये बर्फी हमारी बनकर तैयार हो गई। चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, कितनी सुपर है, देखकर कोई नहीं कह सकता कि इस बर्फी को आपने घर पे बनाई है। जितनी स्वादिष्ट उतनी आसान, त्योहारों में डाले ये बर्फी जान, एक बार फ्रेंड आप जरूर बनाइएगा, आप सभी को बेहद पसंद आएगी। जब मैंने इस बर्फी को बनाया तो भाई फटाक से चट हो गई, बच्चों ने डिमांड किया कि मम्मा इतनी ही कम क्यों बनाई, कितनी सॉफ्ट है, अंदर से जूसी और जबरदस्त है। आपके रक्षाबंधन में एक बार इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है, आप व्रत में बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, तो जब आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तब भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। देखिए मैंने डिब्बे पे भी लगा दिए, आपको अंदाजा लग सके कि कितनी बेहतरीन ये मिठाई बनी है। आई होप फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।